अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर न्यू चैप्टर दैट इज कॉन्सेप्ट मैप। सो व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज मीन बाय मैप। कॉन्सेप्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को तसव्वुर करें और उसके बारे में जो भी आइडियाज आपके आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। और मैप का मतलब होता है नक्शा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैप का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को आप देखें, तसव्वुर करें, उसके हवाले से कोई भी आइडियाज आपके दिमाग में आए और वो नक्शा बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है सन की। सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड हीट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसकी एग्जाम्पल ली, सन की एग्जाम्पल ली। तो सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी। सन क्या है, एक सोर्स है किसकी, लाइट एंड हीट एनर्जी की। सन से हमें लाइट भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है और हीट, गर्माई भी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लांट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लांट्स, ओके। Plants gives oxygen and absorbs carbon dioxide from an एटमॉस्फेयर। हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल किसकी ली, प्लांट की ली। हमने कॉन्सेप्ट मैप क्या बनाया, प्लांट गेट्स ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन एटमॉस्फेयर। प्लांट जो है ऑक्सीजन देता है और एब्जॉर्ब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट मैप बनाते कैसे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप जो है टूल्स के थ्रू बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, अब हम ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट मैप को बनाने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप को बनाने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं और वो कोई से भी शेप्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी शेप्स हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ओवल हो सकता है। तो दीज आर दी टूल्स, ठीक है। एरोस यूज हो सकते हैं, ओके। कॉन्सेप्ट मैप को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को इजीली समझा सकें, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए किस तरह से, ठीक है। ये थे टूल्स। जैसे कि हमने बात की थी, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी, ठीक है। ये थे हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है, लाइट एंड हीट एनर्जी। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी। अब हम इसमें, ये था हमारा कॉन्सेप्ट, अब हम इसमें टूल्स कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है स्क्वायर ले लिया टूल्स में, ठीक है, और इसमें लिख दिया सन। अब हमें बनाना है मैप, तो हमने कहा सन इज द सोर्स ऑफ लाइट
heat energy. So this is the easiest way to explain your concept. ठीक है, तो ये अब आपके कॉन्सेप्ट को इजिली क्लियर करने में मदद करता है. ठीक है, अब मैं देखिए कौन से टूल्स यूज करा है, स्क्वायर यूज करा है, एरो यूज करा है, ओवल यूज करा है. ठीक है, ये थी एग्जाम्पल. हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्लांट गिव्स ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन एटमॉस्फेयर. तो हम इसको इजिली कॉन्सेप्ट मैप में कैसे शो कर सकते हैं,